मुरादाबाद महानगर की पौश कॉलोनी वाले इलाकों के थाना सिविल लाइंस में आज इंस्पेक्टर सिविल लाइंस का मानवता रूपी चेहरा उस वक्त सामने आया जब एक होमगार्ड के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें थाने से ही विदाई दी गई। इस अवसर पर इंस्पेक्टर सिविल लाइंस गजेंद्र सिंह द्वारा थाना परिसर में ही एक पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें मौजूद थाने के सभी पुलिस कर्मियों का मुंह मीठा किया गया। सर्वप्रथम इंस्पेक्टर सिविल लाइंस गजेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड धर्मवीर सिंह को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं थाने पर सभी चौकी प्रभारियों ने होमगार्ड का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस गजेंद्र सिंह ने अपनी व थाना पुलिस की ओर से सम्मान के तौर पर होमगार्ड को शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर चौकी प्रभारी फकीरपुरा सोमपाल सिंह, चौकी रेल प्रभारी कृष्ण कुमार, चौकी रामगंगा विहार, चौकी हरतला, चौकी अगवानपुर भी मौजूद रहे। सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड धर्मवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपना जीवन थाने में ही गुजार दिया। 33 साल तक वे उस वक्त के जमाने से सेवा में लगे हुए हैं जब डिपार्टमेंट उन्हें मात्र 22 रुपए का वेतन देता था और अब 22,000 हो चुका है। होमगार्ड ने बताया कि होमगार्ड की सर्विस में पहले के मुकाबले काफी बदलाव हुआ है। अब होमगार्ड को सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। इस मौके पर सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड में काफी खुशी देखी गई। थाने पर होमगार्ड की कंपनी कमांडर भी मौजूद रहे। 33 साल जब शुरुआत किए थे आपको कितने पैसे मिलते थे उस समय? 22 रुपए शुरुआत किए थे, आज लगभग 26,000 पे था जी। तो कितना बदलाव देखा आपने होमगार्ड की सेवा में? अपने काफी बदलाव हुआ, सम्मान बढ़ा होमगार्डों का समय था। और क्या कहना चाहेंगे इस सेवा के बारे में? अब घर जा रहे हैं, खैर सल्लाह से यही काफी है जो है, पूरी नौकरी करने के बाद जो है। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। ठीक।